कैसे हैं आप सब लोग, और आपका अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और बस एक वीडियो मैं अभी लाइव नहीं की है, लाइव करने जा रही हूँ। मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बाल सुखा रही, पूजा वूजा करके फ्री हुई हूँ। और देखिए हमारी मुंशी भाई खेती यहाँ पर, वो बोलती हूँ मेरी सब्जी उग रही है। तो बस एक इस कमरे का कुछ भी नहीं हुआ है काम, बिस्तर लगा हुआ है, और उस कमरे का सारा कुछ हो गया क्योंकि उस कमरे में मुझे पूजा करनी होती है। झाड़ू पोछा किचन एकदम से दिखाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एकदम क्लीन। और इधर मेरा दीपक जल रहा है, पूजा करके हटी हूँ। गैस है, सारी साफ कर दिए मैंने, बोला थोड़ी सी देर आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर बाल सुखाऊंगी। और बचपन की क्यूरियोसिटी यही मेरे सबसे बड़े टीचर्स थे। ये देखो नहीं रखा सोना के, मौसम वैसा हो रहा है ना, तो ना वैसे फुल बाजू के टॉप मंगाए मैंने, दिखाऊंगी आप लोगों को टाइम मिलेगा जब। अब इस वाले रूम को सफाई करनी है, इस वाले रूम की सफाई करेंगे और फिर बाकी ये रह गया सोना। चलो इसको भी रखे आप बेड पे रखो। तो चलिए कर लेते हैं, करते हैं थोड़ा काम और फिर मिलेंगे। और इतनी साफ़ सफाई में सब अपने अपने हिसाब से, कोई अपना घर गंदा नहीं रखता। तब भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका घर गंदा रहता है, आप अच्छे से नहीं रहते। कैसे रहा जाता है मुझे नहीं पता, नॉर्मल लाइफ में कैसे रहते हैं, ऐसे क्लियर रहते हैं हमारे, तो हमें नहीं पता। यही है घर, चाहे टूटा हो फूटा हो, अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, साफ। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा रखने की, पर कुछ लोग होते हैं, पर कोई नहीं, चलिए। तो उनको बताना था, बताने उनके घर कितने साफ़ रहते होंगे, ज़्यादा साफ़ रहते होंगे, मैं तो इतना नहीं कर पाती शायद। तो चलिए मुझे सोना को तैयार करना, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने जा रही हूँ, गोभी के पराँठे और दाल, वो देखो दिमाग से निकल गई, दाल मखना वाली होती है ना वो, तो भूल जाती, पता नहीं क्या आप लोग भी बोलते हो। तो घी कस करके तो बहुत बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा उंगली पे लग भी जाती है काली वाली दाल, अभी याद नहीं आ रही है और अच्छे से याद है। तो घी कस करते समय हमारे हाथ में भी लग जाती है और अच्छे से भी नहीं होती, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप चॉपर से गोभी को अच्छे से घिया कस कर सकते हो, कितनी बारीक तरीके से, अच्छे, ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब जितनी जैसी पराठों में हमें चाहिए होती है उस तरह की हो गई है। और इस तरीके से गोभी को कौन घिया कस करता है, कौन चॉपर में करता है वो मुझे बताना, या फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम बताया है। देखिए कितने अच्छे से हो रही है, इसी में मैं हरी मिर्ची, इसी में सारी मैं गोभी घिया कस कर लूँगी, और इससे बहुत अच्छे से निकल के आएगा, ना हाथ कटेगा और ना टाइम लगेगा। जहाँ हमें उससे बिल्ली जिससे घिया कस करते उससे घिया कस से करने में बहुत टाइम लगता था, इसमें हमारा 2-3 मिनट में ही गोभी कस के तैयार होती है। रिजल्ट आपके सामने कितना बढ़िया तैयार है। इसी में मैं हरी मिर्ची कर लूँगी, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इससे ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपका काम भी जल्दी होगा। यहाँ पर दाल को मैं धोने जा रही हूँ, और ये वाला खाना आप एक बार ट्राई करेंगे ना, आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे बनाने से, इतना टेस्टी और बिना लहसुन प्याज के। कल मुझे कमेंट भी आया था बिना लहसुन प्याज के बनाइए, तो मैंने कल भी भिंडी बिना लहसुन प्याज के बनाई थी, और आज भी देखिए दाल को धो लिया है, इसको सिर्फ नमक डाल के उबलने के लिए रख लेंगे दाल को। और इसमें हम किससे तड़का लगाएंगे वो आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा, मैं बता देती हूँ। और इसके साथ एक चीज़ और करेंगे, वो क्या है, पहले दाल को नमक डाल के उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्खन, घी नहीं बना रही हूँ, मक्खन बना रही हूँ। और कल कमेंट आए थे कल या परसों कि मक्खन मलाई कैसे बनाते, तो जो रोज़ हमारे दूध की थैली, भैंस का दूध हो ज़रूरी नहीं है, थैली का पॉलीथीन का दूध भी फुल क्रीम वाला लाइए, उसको उबाल के रात को उबालिए, और रात को उबाल के और रात को ही ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, उसके ऊपर बहुत मोटी मलाई आ जाएगी, उसको सुबह
दूसरे बर्तन में दूध के ऊपर से निकाल लीजिए, बस बहुत ईजी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मलाई मक्खन निकाल रही हूँ, और इसको मैं घी नहीं बनाऊँगी, इसको मैं एक डोंगे में करके रख दूँगी। और मक्खन थोड़ा नमक का होता है, तो इसमें इसको पहले मैं मलाई में से निकाल के फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के एक बार मिक्सी में और घुमा दूँगी। तो हमारा घर पे मक्खन बन के तैयार है, बहुत ही हेल्दी, इतना दुकान पर भी नहीं मिलेगा। देखिए कितना सारा मक्खन निकल के तैयार है, देखिए पूरी हमारा जग भर गया है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ, देखिए बहुत सारा, चार या पाँच दिन की मलाई थी, चार पाँच दिन की मलाई से मक्खन मेरा ख़त्म हो गया था। पहले मैंने थोड़ा सा निकाला था, अब की मैंने चार पाँच दिन की मलाई का पूरा का मक्खन निकाला। और ऐसी दाल में पराठों में मक्खन ज़्यादा अच्छा लगता है, सोना वंशिका और इसके पापा को ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी एक एक सेकेंड के लिए तीन बार हमें मिक्सी को घुमाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मिक्सी को रख दिया मैंने साइड से बंद करके, चालू मिक्सी में मत हाथ डालिएगा, थोड़ा रिक्सी होता है, डर भी रहता है, बंद करके तार हटा के तभी मिक्सी में हाथ डालिएगा। तो ये देखिए इतना सारा निकला है, ये देखिए उसमें थोड़ा जग में निकाल के करते ना तो और भी ज़्यादा आता, पर इसी में मैंने दो दो बर्तन कौन करेगा। तो ये देखिए इतना सारा मेरा मक्खन निकला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, दुकान के जैसे बटर होता है ना उसी तरीके से ये हो गया है। ये घुमाने के चक्कर में ना स्लिप पे ये गिर भी गया था, और गांव में सब घुमाती थी ना दीदी सब, तो मुझे भी शौक चढ़ा तो मेरा स्लिप पे गिर गया, तो इसलिए मैं नहीं घुमा रही। तो इतना सारा मेरा निकला है, ये देखिए। तो आप लोग भी, दूध में बच्चे मलाई वगैरह नहीं पीते हैं तो मलाई को फिजूल में क्यों जाना, बटर बच्चे खा लेते, तो दूध में से मलाई निकाल के रखिए और तीन चार दिन बाद उसका बटर बनाइए, खुद भी खा सकते बच्चे भी खा सकते। देखिए मेरा कितना सारा निकला, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से दूध उबाल रही हूँ, दाल मेरी उबल गई है, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ, दाल की सीटी नहीं निकली है। तब तक गोभी में मैंने गरम मसाला, नमक, हींग ये सब डाल लिया था, और इसको बना रही हूँ मैं। बस सोना उधर बैठी हुई है और मैं इसको अच्छे से बना रही हूँ, तब तक मेरी दाल ठंडी हो जाएगी, दाल में फिर तड़का दे दूँगी। मैंने बोला जब तक ठंडी हो रही तब तक मैं रोटियाँ और पराठे सेक लेती हूँ, बैठना क्यों है। तो इसीलिए मैंने पराठे सेकना, गोभी को अच्छे अच्छे से मोटे मोटे से, मतलब मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। गोभी को बहुत ज़्यादा लाइट, किचन में थोड़ी सी मेरी लाइट कम है, इतनी लाइट नहीं है, बड़ी वाली लाइट नहीं है, पर मेरा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से एक एक चम्मच को भर के मैं बना रही हूँ, उधर मेरा दूध उबल रहा है, देखिए एक साथ तीन तीन चार काम हो रहे हैं और बहुत स्वाद बनता है। आप लोग कहेंगे कि बार बार बोल रही हूँ, हकीकत में आप लोग ट्राई करिए, अगर खुद को रोक नहीं पाएंगे, इतना अच्छा बनता है। तो रिफाइंड लगा लगा के इनको सेक दे रही हूँ, और जब तक मेरी ये हो जाएगी, और सबके लिए, पहले मैंने सोचा था बच्चों के लिए पराठे सेकूँगी, फिर मैंने सबके लिए सेक दिया था। और कल मुझे कमेंट आया कि मैं यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब पे मुझे वीडियो नहीं डालनी चाहिए, अब वो नई नई आईडी से मुझे कमेंट करती हैं। तो आप ये, मुझे पता आप लोग बोलेंगे इग्नोर करो आते हैं, पर थोड़ा सा मुझे, मैंने वो कमेंट को बहुत टाइम तक डिलीट नहीं किया, फिर उस पर लाइक आने लग गया, फिर मैंने कुछ लोगों ने उसको देखा भी होगा, फिर मैंने उसको हटा दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा। पर ये मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे कैसे कोई किसी को बोल सकता है कि टाइम ख़राब कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जिसको अच्छा लगता है वो देखे, जिसको नहीं अच्छा लगता उसको मन देखे। पर थोड़ी सी ये चीज़ें ना अजीब सी लगती हैं। उनका मिट्टू करके उनका नाम है, पर चलिए छोड़ देते हैं, उनकी सोच उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है। ऐसे लोग मुझे पता है यहाँ पे रोज़ मिलेंगे, पर कोई कोई चीज़ें नॉर्मली अगर बोलें तो अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें बोलें किसी को इतना बड़ा डीमोटिवेट करे तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च से और जीरे से हींग से तड़का लगाया है, वैसे ये पूरा घी से ही तड़का लगता है, मतलब घी में ही मिर्ची और जीरे को भूंजा जाता है, पर मैंने इतना घी यूज नहीं किया, इतना था नहीं, तो मैंने तेल से किया, थोड़ा मैंने घी डाल दिया। इस तरीके से ही ये दाल आप तड़का दीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, कुछ भी इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और नमक, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, हल्दी नमक डाला और इसमें कुछ भी नहीं डाला, मिर्ची बिल्कुल इस सूखी मिर्ची से तड़का दिया है, और उसमें हींग जीरे और सूखी मिर्ची से तड़का दिया, उसके ऊपर से मैंने घी डाल दिया है, और ये हमारा खाना बन के रेडी है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए, हमारे खाने में शामिल हो जाइए।
तो यहाँ पे देखिए, देखिए जाले हो गए थे बहुत। मैं सोच रही थी हटाऊँ, फाइनली मैंने हटा दी। इतने नहीं थे, मतलब जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता था वहाँ वहाँ तक मैंने किए हैं। तो आप लोग बताइए, क्या यहाँ पे जो लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे काम है, ये जॉब के जैसा ही काम है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है? अगर आपके हस्बैंड कहीं काम पे जाते हैं तो वहाँ पे वो टाइम पास करने जाते हैं, टाइम बर्बाद करने जाते हैं? आप बताइएगा, अगर आप ये वीडियो देख रही है कमेंट करिएगा, फिर आप किसी को ऐसा कमेंट करिए कि आप यहाँ पे टाइम ख़राब कर रही हैं, यहाँ पे मन डालिए। जैसे हस्बैंड लोग जॉब करते, जैसे ऑल लेडीज़ जॉब करती, वैसे ही हम भी यूट्यूब पे एक जॉब ही करते हैं, एक जॉब के जैसा ही है। ये है, हम लोगों की मेहनत दिखती नहीं है पर हम लोगों की भी बहुत मेहनत होती है। तो आपके कहने से मैं कोई वो छोड़ने वाली नहीं हूँ, ना मैं आपके कहने से वो होने वाली, पर आप जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो उन लोगों को पता चले, और आगे से कोई ऐसा करे ना कमेंट, ठीक है? कोई टाइम बर्बाद नहीं कर रही हूँ मैं, आपको लग रहा होगा तो आपकी सोच आपके साथ है, आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारी सोच हमारे साथ है। थोड़ा सा ऐसे लगा कि टाइम बर्बाद कर रही हूँ, कभी कभी खुद भी लगता है टाइम बर्बाद कर रहे, ऐसे नहीं होना कहना चाहिए ना। तो चलिए छोड़ देते हैं सारे, मैंने दोनों कमरों के जाले हटा दिए, ये सीढ़ियों पे जाले आ गए इनको भी हटा दिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली